मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हम कब न्यू टेबल क्रिएट करेंगे फॉर्मूला के लिए, और कब कॉलम क्रिएट करेंगे, और कब हम अपना मेजर्स करेंगे। अब देखिए कॉलम का क्या है, जब हम कॉलम कब करते हैं, जब आपके डेटा के किसी पर्टिकुलर कॉलम की डेटा के बिहाफ पे वन बाय वन कोई रिजल्ट चाहिए, तब हम कॉलम के अंदर कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि लुकअप वैल्यू सम एक्स, नहीं सम एक्स काउंट एक्स, फॉर्मूले जो है वो फॉर्मूले क्या हो रहे हैं कि वो कॉलम वाइज वन बाय वन। मान लीजिए ना यहाँ पे पूजा है, तो मुझे यहाँ पूजा का मान लीजिए कि दूसरे सेल से पूजा का कुछ लिमिट लेना है, या फिर मान लीजिए मुझे फिर क्वांटिटी वन का जीएसटी निकालना है, तो इस केसेस में हम न्यू कॉलम पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और दूसरा हमने बताया टेबल, टेबल में कब होंगे, जब मुझे किसी फॉर्मूले का रिजल्ट मोर देन वन है, जैसे कि ऑल हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, ऐसे फॉर्मूले जो कि एक नहीं डेट कैलेंडर हो गया, जो एक नहीं कई सारे रिजल्ट देते हैं, उसको हम टेबल में यूज करेंगे। अब आती है बारी मेजर्स का यूज कब करेंगे। मेजर्स का यूज होता है जब हमें कई सारे ये पूरे कॉलम का एक ही रिजल्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए सम, तो अब यहाँ हम सम का फॉर्मूला लेंगे तो फिर वो किसका सम करेगा, 51, अगर पूरा कॉलम देते तो पूरा कॉलम का टोटल यहाँ दिखा देगा ना, और ये पूरी के पूरी कॉलम पूरा कॉलम का टोटल दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी सर। अगर हमने सम का फॉर्मूला लगाया तो क्वांटिटी वाले कॉलम का टोटल मान लीजिए 20,000 दे दिया, तो 20,000 सब पे दे देगा ना, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी फॉर्मूला जो कि टोटल ऑफ राउंड ऑफ टोटल ऑफ जैसे वर्ड को परिभाषित करता है, ऐसे फॉर्मूले को हम मेजर्स में इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिस्टिंक्ट काउंट कि भाई कितने नंबर ऑफ कस्टमर है हमारे, और जैसे पूजा अगर 20 बार है तो पूजा को एक ही काउंट करेगा, तो उस केस में हम यूज करेंगे अपना मेजर्स, न्यू मेजर्स। अब यहां पे टोटल कस्टमर, और यहां पे हम कर देते हैं डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट में हम दे देते हैं, इसमें एक ही कॉलम दिया जाता है, अब इस मेजर्स के रिजल्ट को शो करने के लिए आपको टेबल लेना होगा या फिर आपको लेना होगा अपना कार्ड। तो कार्ड पे क्लिक किया और इस कार्ड के ऊपर टोटल कस्टमर नाम का फील्ड है वो हम यहां पे डाल दिए, आ गया 9। अब इसको फॉर्मेटेड करके जहां रखना है वहां आप रख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि मेजर्स कब अप्लाई करना है, कॉलम में फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, और टेबल में फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। ये क्लियर है। तो एक फॉर्मूला डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट फॉर्मूला क्या करता है कि ऑल की तरह लिस्ट ऑफ नेम देता है। डिस्टिंक्ट काउंट क्या करता है, लिस्ट ऑफ जो नेम दिया इसकी काउंट देता है। अतीश जी कोई डाउट इसमें? नहीं, तो डिस्टिंक्ट काउंट ऐसे आप सम एक्स और सम एक्स मैक्स एक्स ऐसे आप काउंट एक्स लगा सकते हैं, काउंट ब्लैंक, ये सब मेजर्स के फॉर्मूले हैं, समझे। ये लोग जो है रिजल्ट जो है सिंगल देता है, ऐसे आपका मैक्स हो गया, मैक्स ए मैक्स एक्स जस्ट लाइक सम एक्स मीन एक्स। मुझे लगता है ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टैटिकल फॉर्मूला था जो कि हमने बात की। टेक्स्ट फॉर्मूला हमने कर लिया था, अब बात होती है हमारी टाइम इंटेलिजेंट फॉर्मूला। अब जो चीजें होने वाली है ये चीजें एक्सेल से वाली फॉर्मूले का यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया।
हमने आपको एक्सेल से रिलेट लॉजिकल फॉर्मूला बता दिया, हमने एक्सेल से रिलेट आपको डेट एंड टाइम की फॉर्मूला बता दी, हम आपको टैक्स की फॉर्मूला बता दिए, हम आपको मैथमेटिकल के बारे में बता दिए और हमने आपको स्टैटिकल के बारे में बता दिए। लेकिन एक एक लास्ट बच गया, वो है इन्फॉर्मेशन फंक्शन। इन्फॉर्मेशन फंक्शन, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे फॉर्मूले एक्सेल के हैं और बहुत सारे फॉर्मूले पावर बी आई के। अब एक्सेल के फॉर्मूले कौन कौन है एक बार इसको देख लेते हैं। एक्सेल का फॉर्मूला आपका इज ब्लैंक है, इज क्रॉस फील्ड नहीं है, इज एम्प्टी है, इज एरर है, इज इवन है, इज फिल्टर है, नहीं इज फिल्टर भी नहीं है, इज ऑड है। अब एक बार समझाता हूं क्या करता है, फिर एक्सेल वाला समझा देता हूं, फिर मैं इसके बताऊंगा पावर बी आई का। इज ब्लैंक, ये सारे फॉर्मूले टेबल पे इस पे कॉलम में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इज ब्लैंक, किसी सेल को सेलेक्ट कीजिए, अगर वो ब्लैंक है तो ट्रू देगा, अगर वही फॉल्स देगा। इज एम्प्टी, आप बोलेंगे सर ब्लैंक और एम्प्टी में अंतर क्या है, ये दोनों तो एक ही लगता है, दोनों एक ही तो लगता है, लेकिन इसमें भी कॉज है। इज एम्प्टी आपका पावर बी आई का फंक्शन है, एक काम करता है टेबल पे। इज ब्लैंक आपने कर दिया तो एक कॉलम के एक सेल वैल्यू को चेक करेगा, समझे, और इज एम्प्टी जो है वो पूरी की पूरी टेबल को लेता है कि टेबल ब्लैंक है कि नहीं, समझे जी सर। इंफॉर्मेशन फॉर्मूला का आप देखेंगे तो यहां वह अकेले नहीं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले के साथ वर्क करता है। तो क्योंकि ये फॉर्मूले जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उस इंफॉर्मेशन के ब्याप पे दूसरा फॉर्मूला अपना काम करता है। इज एरर, अगर एरर हुआ तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। इज इवन, अगर इवन है नंबर तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इज ऑड, अब इसमें कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि पावर बी आई है लेकिन सिंपल है, तो उसको एक बार देखते हैं। जैसे कि यहां देखिए कंटेन, कंटेन फॉर्मूला हमारा पावर बी आई का है। तो कंटेन फॉर्मूला करता है क्या, ये करता है कि रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू ऑफ रॉल रेफर्ड कॉलम एग्जिस्ट और कंटेन दोज कॉलम, अदरवाइज फंक्शन रिटर्न द फॉल्स। जैसे यहां देखिए कंटेन टेबल, कॉलम नेम एंड हमने यहां पे वैल्यू, एक तरह से मैच की तरह काम करता है, समझे, मैच की तरह। जैसे कि मुझे पता करना है अपने डेटा में, मुझे अपने डेटा में पता करना है कि मेरे सिटी में दिल्ली है या नहीं है, समझे, दिल्ली को कवर किया गया है कवर किया या नहीं किया गया है। तो ये सिंगल रिजल्ट है कि पूरे कॉलम में एक सिंगल वैल्यू को चेक करता है, तो इसका इस्तेमाल हम मेजर्स में करेंगे या फिर हम किसी लिस्ट ऑफ डेटा पे करेंगे। तो यहाँ हम एक मेजर्स में नहीं, एक काम करता हूँ यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, मैं अपने टेबल पे ही करता हूँ, टेबल पे जो दूसरा टेबल है ना मुझे यहाँ पे इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम देखना है और चेक करना है कि भाई कविता मेरे उस डेटा में है या नहीं है, ठीक है। तो कॉलम ऐड किया हमने, और यहां पे मैंने मान लीजिए सेल STS और यहां पे हमने कर दिया कंटेंट्स में हम सिलेक्ट करते हैं अपना टेबल, हमने डेटा सिलेक्ट किया, फिल होता है किस कॉलम में चेक करना है आपको, तो हमें चेक करना है नेम में, और हमें क्या चेक करना है, तो हमें चेक करना है नेम।
तो डीएसटी नेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आया। अब कंटेन में एक चीज और भी है, समझे? जैसे कि मैं मान लीजिए फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है ना? मुझे बस अब नाम मैं पूरा नहीं दे रहा हूं, मैं नाम मान लीजिए कि यहां पे पी हमने कर दिया, तो कंटेन ऐसा नहीं है। एक मिनट, ये दोनों तरफ अगर स्टार डाल देता हूं तो जस्ट लाइक मैच की तरह, मतलब कि आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर सेल वैल्यू दूसरे टेबल के किसी कॉलम में है या नहीं है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें स्टैटिक्स वाला ऑप्शन नहीं चलता है, एग्जैक्ट मैच करता है। मैं जब चेक कर रहा था स्टैटिक तो नहीं चलता है, स्टैटिक नहीं चलता, एग्जैक्ट मैच चलता है। ओके ये हमारा कंटेन का कॉलम है। कंटेन समझ में आ गया। अगला है हमारा कंटेंट्स रो। कंटेंट रोज में क्या होता है, ये तो अलग है, ये अलग है। कंटेंट रो होता है जैसे कि आपके पास अगर कई सारे डेटा चेक करना, ये तो होगा कि एक वन बाय वन चेक करता है ना। अब मुझे कई सारे चेक करना है कि भाई ये है 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग वैल्यू है वो चेक करना है आपको। जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास डेटा है, तो मेरा बात है कि मुझे ये देखना है कि मेरा इनहाउस टोटल किया है नहीं किया है, इनहाउस ने सेल किया है या नहीं किया है। तो मैं यहां मेजर्स पे आता हूं, और यहां हम देते हैं इनहाउस, और यहां हम देते हैं कंटेंट्स रो। टेबल हमने बोला डेटा, टेबल का नाम रिटर्न टू इफ एग्जिस्ट द at least one row where the column is 5। इसमें फॉर्मूला इस पे वर्क नहीं कर रहा है। मेजर्स में अप्लाई होगा, ये जो फॉर्मूला है मेजर्स में इस्तेमाल होगा, और ये फॉर्मूला अकेले यूज नहीं होता है। जैसे कंटेंट रो टेबल, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें एबुलेट पे लगा रखा है कि एबुलेट फिल्टर ऑल जो सिलेक्ट किया और उसमें बोला कि कलर इन, ये स्टेटमेंट डाला जाएगा। इस तरह से वर्क करता है। जैसे एक टेबल में अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर 3 या 4 वैल्यू अवेलेबल है या नहीं, इस चीज को चेक करना, तो इसका यूज हम लोग करते हैं, समझे? तो इसको हम ये मेथड है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मेथड है। इसके लिए हमें फॉर्मूला, ये जो डैक्स क्यूरी लिखना होता है,
टेबलेट फिल्टर और ये देना होता है डैक्स क्यूरी, इसको बोलते हैं डैक्स क्यूरी। ये डैक्स क्यूरी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो मैं समझाऊंगा इसके बारे में, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। फिर आपको डैक्स क्यूरी समझाना पड़ेगा ना। ऐसे आपका ये होता है कंटेन स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग है या नहीं है, एग्जैक्ट मतलब कि केस सेंसिटिव है या नहीं है। ये आता है आपका कस्टम डेटा, कस्टम डेटा का यूज होता है कि इसका जो प्रॉपर्टी इसका कनेक्शन जो है वो कनेक्शन बताता है कि आपका डेटा किससे कनेक्टेड है या नहीं है। इसका भी रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स होता है। ये आपका होता है हैशॉन फिल्टर, सारी एएसपी यूज होती है। क्यूरी पे यूज होती है, बताऊंगा तो मैं आपको उसे बताऊंगा। आईएसओ फिल्टर है कि डेटा आपका फिल्टर है या नहीं, फिल्टर है तो ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा। तो ये सारे उसी तरह से रिलेट करता है, आप इसको एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। आईएसओ नो फिल्टर, सेलेक्ट द मेजर्स, मेजर्स को सिलेक्ट करना है, यूजर नेम आपका जो पावर बी आई का यूजर नेम है वो शो करेगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इसके बिहाफ पे, इसका कोई खास हम यूज करते नहीं है। तो कल हम एक लास्ट जो है कल एक दो क्लास और लेंगे, जैसे कल हम बात करेंगे टाइम इंटेलिजेंट फॉर्मूले के ऊपर। जब ये खत्म हो जाएगा देन हम फिल्टर फॉर्मूले, फिल्टर फॉर्मूले में आखिर में दो तीन फॉर्मूला तो बता रखा हूँ, बाकी जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूंगा क्या यूज होता है फिल्टर फॉर्मूले में। और उसके बाद यहाँ पे आपका टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन है, उसके बारे में एक बार हम लोग बात करेंगे।